हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, बहुत खुशखबरी की बात है, एसएससी सीएचएसएल 2018-19 का नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग इसको अप्लाई कर लीजिए, जिसकी योग्यता 12th पास है और उम्र 18 वर्ष है, मिनिमम क्वालिफी उम्र है। और अगर आप अप्लाई अभी तक नहीं किए हैं तो ये 5 तारीख से अप्लाई होगी, तो आप लोग इसको अप्लाई कर लें। तो चलिए हम आपको बताते हैं, इसके ऑफिशियल नोटिस पे चलते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मैं इस पर सबसे पहले प्रोवाइड करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि आप लोग एसएससी के ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग भी। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन अप्लीकेशन का, जो 5/3/2019 से लेके 5/4/2019 तक है, और जो लास्ट डेट है 5/4/5 PM तक बताया गया है। और इसका पेमेंट का डेट है लास्ट 7 तारीख, ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी 7 तारीख तक ही है। जो इसका टायर 1 है, जो 1/7/2019 बता रहा है से लेके 26/7/2019, और टायर 2 है जो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा, जो 29/9/2019 तक बताया जा रहा है। तो आप लोग इसको भर सकते हैं। जो इसका जो पोस्ट है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क एंड जूनियर असिस्टेंस है, और डाटा एंट्री पेशन है, डाटा एंट्री का जॉब है, और ऑफिशियल है, मिनिस्ट्री ऑफिस में है। तो आप लोग इसका देख सकते हैं, ऑल इंडिया जॉब लेवल पे है। आपका जो पे स्किल है एलडीसी का है, जो 1900 है ग्रेड पे है, और बेस है 5200 से 20200। और यहाँ पे आपका डीईओ का है 24 ग्रेड पे है 2400, और ग्रेड ए का पे है जो वहाँ पे 2400 है। तो आप देख सकते हैं एलडीसी का मात्र ग्रेड पे 2900 है, नहीं तो उसके बाद जो भी पोस्ट है 2400 का है। तो आपका देख सकते हैं जो वैकेंसी है यहाँ पे, तो आपको मैं इसमें और डिटेल्स बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका जो एससी और एसटी कैंडिडेट के है या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनका जो भी जो छूट मिलती है, तो वो आपके कैटेगरी वाइज छूट दिया जाएगा। इसमें भी है पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट के लिए भी है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग अब बात करते हैं, इसमें आपको सिटीजन होनी चाहिए, इंडिया सिटीजन, एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट है आपका 18 से 27, और जो आपका जो एज कैलकुलेट होगा 2019/1/8/2019 से लेके कैलकुलेट किया जाएगा आपका। जो बिटवीन होना चाहिए कहाँ तक, 2/8/1992 तक। तो आप लोग एज देख लीजिएगा। और जो एससी एसटी की का डायरेक्ट है, जिसका छूट मिलेगा 5 ईयर, ओबीसी की 3 ईयर, पीडब्ल्यू की 10 ईयर, और एक सर्वेंट के 3 ईयर, और पीडब्ल्यू एससी एसटी की 15 ईयर, और पीडब्ल्यू ओबीसी की 13 ईयर। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं एज का कैटेगरी है जो भी है, तो यहाँ भी देख सकते हैं आप इसमें हम आपको बता दें कि आप चलते हैं हम लोग इसके सिलेबस पे क्या है और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कितने आएंगे, तो इस पर पूरा डिटेल्स देखेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, फॉर्म भरने में बहुत सिंपल है, आप लोग भी आराम से भर सकते हैं। तो देखिए, आपका जो टायर 1 होगा, जो नॉट सब्जेक्ट है यहाँ पे कॉलेज, तो इंग्लिश जो है 25 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर का, और जो आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल, मतलब 80 मिनट जो है 60 मिनट जो जनरल कैंडिडेट को दिया जाएगा, और 80 मिनट पर कैंडिडेट एलिजिबिलिटी ये जो भी है
कैंडिडेट है एलिजिबिलिटी उसके लिए 80 मिनट और नहीं तो जो भी जनरल में ऐसे कैंडिडेट है उसको 60 मिनट एक घंटे की टाइम मिलेगा। जो जनरल जनरल इंटेलिजेंस है जो आपका रीजनिंग है तो आपका 25 क्वेश्चन 50 सब 25 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट है इंग्लिश है मैथ है करेंट जनरल है और रीजनिंग है जो 25-25 क्वेश्चन आएगी और 50-50 नंबर की रहेगी मतलब 100 क्वेश्चन हो गए 200 नंबर की होगी एक घंटे की टाइम दिया जाएगा। जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है जो आप लोग भी जानते हैं 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो इस पर यही है और आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो सिलेबस कोई चेंजिंग नहीं है जो है वही सिलेबस है तो आप लोग देख लीजिए। और इसका टायर 3 जो हैगा स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट आएगा आप लोग भी जानते हैं और डिस्क्रिप्टिव में एसे आती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग देखिए आपको जो एग्ज़ाम में है आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब लेके जाना है ये पूरा डिटेल्स इसमें नोटिफिकेशन में बता दिया गया है तो आप लोग नोटिफिकेशन को एक बार भरने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें भी है और जिनके ओबीसी सब है तो वो अपने बनवा ले ओबीसी जो भी है एज रिलेशन ये आपका यहाँ पे फॉर्म दे दिया गया है तो होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो जाते हैं तो आप नोटिफिकेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए तो अगर कोई भी डाउट है मेल भी कर सकते हैं ईमेल एड्रेस मैं दे दूँगा। तो थैंक यू नेक्स्ट अपडेट में आपसे फिर मिलता हूँ। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें।